मॉर्निंग, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल मूवमेंट्स ऑफ लाइफ। तो मैं हूँ आज बहुत दिनों बाद वापस आया हूँ, क्योंकि कुछ दिनों तो बाहर आउटर चला गया था, तो आज फिर से वापस आ चुका हूँ। तो बहुत दिनों बाद ना यूट्यूब में फिर से वापस आने के बाद ना वीडियो बनाना, बहुत ज़्यादा खुश भी हूँ और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इसलिए क्योंकि बहुत दिन हो गए थे ना वीडियो नहीं बनाई थी, आप लोगों से नहीं मिला था, वीडियो नहीं आई थी, तो आज आ चुका हूँ। आज मैं हूँ अकेले मंदिर के पास, क्योंकि अब ना असोच का महीना लग चुका है, मतलब घास वास कटने लगी खेतों में। तो आपको नीचे खेत भी दिखाता हूँ, अभी देखो जहाँ पे कोई हमारी चाची जी काम कर रही हैं, और मड़ुआ हो चुका है, पूरी तरह पक चुका है, अब तोड़ रहे हैं और उसके बाद कुटाई शुरू हो गई। बट कहीं ना थोड़ा सा बुरा भी फील होता है कि बहुत सारे मेरे जो अपने लोग हैं उन लोगों ने मुझे अनसब्सक्राइब कर दिया यार यूट्यूब से। मतलब उनने मुझे नहीं बताया, लेकिन किसी और को स्क्रीनशॉट भेजा था तो उस बंदे ने मुझे भेज दिया, क्योंकि वो उनका बेस्ट फ्रेंड है तो मेरा भी बेस्ट फ्रेंड था। खैर बट कोई बात नहीं, लाइफ में ये चीज़ें लग चलते रहती हैं, इस बात का अफसोस नहीं है कि लोगों ने हमारे साथ क्या किया क्या नहीं किया। आगे बढ़ते रहेंगे, कोशिश हमेशा ये रहेगी कि वीडियो बनाओ और लोगों तक पहुँचाओ, लोगों को पसंद आएगी तो वो खुद आपको अपने आप ही आपको सब्सक्राइब कर देंगे, आपको लाइक करेंगे, आपको पसंद करेंगे। बट होप कहीं ना कहीं ये रहती है अपनों से कि यार ये बंदा सपोर्ट करेगा। बट जब आपको कोई ऐसा करता है तो बहुत ज़्यादा फील भी होता है, बहुत ज़्यादा अफसोस भी होता है। जब स्टार्टिंग पे ही मैं शुरू कर रहा था ये वीडियो बनाना, तो उस टाइम पे ना बहुत कम लोग थे जिन लोगों ने मेरा सपोर्ट किया होगा, क्योंकि लोगों तो यार बस यही काम बचा है, अब यही करोगे तो। बट कोई बात नहीं, लाइफ में ना ये हर एक मोमेंट्स आता है जब आपको ये मौका मिलता है कि आप अपने लिए ये कर सकते हो, खुद को दिखाने के लिए कि हाँ तू ये कर सकता था और ये तू कर रहा है। तो 10 लोगों के बीच में या 20 लोगों के बीच में कैमरा पकड़ के आप कैमरे के सामने बोलना बहुत ज़्यादा टफ भी है, और मतलब ये ना अपने आप में गट्स होता है कि आपको ये कर आप ही कर सकते हो। देखिए सॉरी, मेरा कोई मोटिव नहीं है आप लोगों को बोर करने का, बट कहीं ना जो मेरे दिल में थी बातें थी ना मैं आप तक शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों के साथ भी बहुत बार होता हुआ जब आप कोई चीज़ कोई करने की कोशिश करते हैं तो लोग आपसे बोलते हैं क्या रखा है यार उसमें, कुछ नहीं भाई, कुछ और करो, जॉब करो, पढ़ाई लिखाई करो। देखो हर कोई ना किसी चीज़ के लिए बना होता है और परफेक्ट होता है उस चीज़ में। तो थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ, अब मैं निकलता हूँ खेतों की तरफ और दिखाता हूँ मड़वाना कितना प्यारा हो चुका है अभी, ठीक है। ज़्यादा माइंड मत करिएगा, कोई बात नहीं, जो लोग सपोर्ट करेंगे वो इसलिए सपोर्ट करेंगे क्योंकि उन्हें मेरी वीडियो पसंद आएगी, उनको मेरा बोलना या हर चीज़ पसंद आएगा, इसलिए नहीं कि यार भाई सब्सक्राइब कर दो यार चैनल मोनेटाइज करना है या फिर वेरीफाई करना है, इसलिए नहीं। उन लोगों को पसंद आएगा तो धीरे धीरे लोग ना खुद ही मुझे पसंद करना शुरू कर देंगे। देखो हर चीज़ में ना टाइम लगता है, तो ये टाइम अभी मेरा है इसलिए है क्योंकि मैं यहाँ आ चुका हूँ। तो चलता हूँ नीचे की तरफ। तो ना अभी अब देखिए मैं चल रहा हूँ नीचे खेतों की तरफ, बहुत ज़्यादा अभी तो घास है। अभी एक हमारी चाची जी देख रहे हो वो निकल गई है। भाई औरतों की लाइफ ना पहाड़ बहुत ज़्यादा टफ है, लोग सिटी में हैं, एसी पंखा कूलर जो फैन जो चल रहा है वो सब यूज़ कर रहे हैं। और अब यहाँ देखिए आप, देखो घास काटने के बाद घास सूख चुकी है, ठीक है। घास ना ये ना भाई बहुत टफ लाइफ है यार। देखो ये है ये नहीं कद्दू का नहीं लौकी का बेल है, और तो ये है मड़वा। देखो वो देखो दो लोग हमारे चाची लोग वहाँ पे जो काम कर रहे हैं, ये है मड़वा। देखिए आप मड़वा देख सकते हैं, ये है मड़वा पूरा पक चुका है, और मड़वे के साथ बीच में लगी है एक वो आती ना बीन्स जो आती है, मतलब ये बोलते हैं इसको वाइट वाली जैसे हाँ सफ़ेद कलर की दाल आती है, मेरा नाम भूल गया इसका, वो होता है ये पहाड़ों में। अब देखो खेतों में कुछ लोग कर रहे होंगे काम, तो कुछ लोगों के लिए चाची हमारी ले चुकी है यहाँ पे, इसमें रखा हुआ है चाय, और इसमें देखो क्या रखा है, इसमें रखी हुई है पानी, हाँ ये पानी और चाय और कुछ शायद गुड़ भी रखा हुआ है, तो वो रहे हमारे चाची जी लोगों। वो अभी मड़वा इसको देखो कैसे मड़वा उठा रहे हैं, मैं वो भी आपको दिखाता हूँ। देखो ये है मड़वा, यहाँ इन्हें कर चुके हैं खेतों में उठा के रख चुके हैं। अरे यार मेरा ना माइक अटक चुका है पीछे, पहले माइक को निकाल दो एक बार। ये देखो अरे यहाँ तो जग भी आया है भैया, और मड़वा उठाने के बाद अपनी मतलब एक साड़ी की बना रखी है उसमें रखेंगे और फिर उसको इकट्ठा करेंगे कट्टे में। देखिए इस कट्टे में इसको इकट्ठा करने के बाद घर में जाएंगे तो कुछ दिन सुखाएंगे। और ठीक है चो टिपो टिपो के बाद ना हो घाम हो, आजकल घाम वाले बहुत तेज घाम लगने वाले, एक तो हाँ एक तो घाम लगे हाँ बुढ़ी दे जाना जब बस बस हो गए। देखे दीदू तो अभी ना बहुत दिन हो गए, अब हो रही नहीं रही है बारिश, और एक चीज़ सबसे जो टफ है ना तो वो है पहाड़ी औरतों के लिए भाई ये काम करना ना। देखो क्या मौसम भी बहुत हो और बहुत देखिए तेज धूप, देख रहे हो बादल है बट बारिश नहीं हो रही, बादल खाली दिखाने के हैं बस। देखो दिन भर धूप में लगे, अभी और बाद में भी दिखाऊंगा आपको, शाम के टाइम पे भी दिखाऊंगा कुछ वीडियोस में आपको, क्योंकि शाम को मैं आपको दिखाऊंगा कितने लोग घास काट के आते हैं वापस। बहुत ही ज़्यादा टफ लाइफ हो चुकी है अभी लोगों की,
हम लोग तो देखो ज़्यादा, मैं क्या है, मैं अपने घर के अंदर बैठ जाऊँगा, पर उनको देख रहे हो धूप में। ऐसे आपको हर जगह नीचे बहुत सारे लोग मिलेंगे जो भाई सुबह निकल चुके हैं, अंधेरे में 5 बजे चले जाते हैं और सुबह से मतलब अंधेरे में ही घर आते हैं, अंधेरे में चले गए, घास काटनी है उसको, फिर घास को काट के ज़मीन में बिछाना भी है, उसके बाद उसको पूरे बात के मतलब लपेट के उसमें गांठ लगा के उसको लूटे बनाने हैं। मैं आपको लूटा जैसे दिखाता हूँ कैसे, मतलब बहुत सारे मसले आप तो जानते हैं कैसे। तो मैं वापस आ चुका हूँ अभी ऊपर से, ठीक है ना भाई, बहुत ज़्यादा हो रही है तेज़ धूप। तो कोई नहीं, मिलते हैं थोड़ी देर बाद आपको फिर से, ये मिलूँगा शाम को, दिखाऊँगा हो सकता है, क्योंकि शाम को ना भी और भी लोग आएंगे। तो चलिए मिलता हूँ थोड़ी देर बाद आपसे। उज्जू भाई तोड़ने लगे दाढ़ी मोहर, देखो दाढ़ी बहुत टेस्ट, लेकिन लागू रही शो लागू रहे दाढ़ी का पेड़ पीछे, लेकिन दाढ़ी बहुत अच्छे हुए हैं इसमें, देखिए आप एक सेकंड। उज्जू भाई चार चौके पेड़ में दिखाता हूँ आपको एक बार, ये देखिए, देखो उज्जू भाई ये बिच्छू पूरा, भाई मैं तो नहीं गया ऊपर, देखो लूटा ये, ऐसे घास को जब सुखाएंगे, देखो ये सूखा घास है इसमें डालेंगे ऐसा लूटा। लेकिन उज्जू भाई तो मलियाल बोर्ड का लमा यार, तो मलियाल फंका तो खर मलियाल है दी, तो पाव तोड़ दे रहा, जिनका पेड़ है उनके लिए भी तोड़ना भैया। तो अभी हम चढ़ चुके ऊपर, देखिए सामने देखो क्या भाई मंत्र, मतलब अलग ही चल रहा है। देखो मेरे पास, मैंने एक लकड़ी से तो तोड़ दिया, अभी मैं दिखाता हूँ कितना मीठा हुआ, इसको तोड़ के लाने दो पहले, ठीक है। देख रहे हो ये है पहाड़ी फल, ये मतलब अनार का छोटा भाई, मतलब चचेरा भाई है दाढ़ी। अनार थोड़ा मीठा होता है बहुत, और ये थोड़ा खट्टा मीठा होता है, मतलब भांग के नमक के साथ और या फिर वो लहसुन के नमक के साथ इसको खाया जाए ना तो अलग ही मज़ा आएगा। मैं दिखाता हूँ इसको मैं छिलके आपको, ठीक है। उज्जू भाई तोड़ो तोड़ो, बढ़िया लेके लिया है, देखो कितने लेके आए हैं, और यहाँ पे भी हमने थाली आ चुकी है हमारी, ये मैं घर को लेके जाऊँगा। बाकी नीरज भाई इसको आप छिलते हैं यहाँ पे, ये देखो भैया, ओह हो, तो ये आ चुके हमारे दाढ़ी में लिया, और ओहो हो, ये फिर लग गई यार दाढ़ी, कैसे लग गई, वाह वाह दाढ़ी बढ़िया, बड़े दाढ़ी में भाई चंद बोडन, ओहो हो बढ़िया बढ़िया, चार पाँच हरी, ये देखो ये देखो, ये मैंने छुपा दिए यहाँ इतने और इतने, ठीक है ये दाढ़ी माँ, ये देखो ये आ चुके हैं सब लोग, आ जाओ भैया आप छिलेंगे इसको थाली में, हम देखो अब हम इसको छिलेंगे थाली में, थाली भी आ चुकी है, नमक भी आ चुका हमारा, देख रहे हो हम लोगों ने फाइनली दाढ़ी छिलके हमने रख दी है, किस में रखे हमने थाली में, और आ चुका भांग का नमक, नमक दिखाता हूँ आपको क्या नमक है भैया, हो ये देखे नोड़ दिख नहीं आ रहा रे मैं, अरे कहाँ गया नमक इसका, खत्म हो गया, नहीं नहीं है नमक इसमें, दिखाता हूँ आपको, ये देखिए नमक इसमें शायद अब दिख जाए थोड़ा बहुत, लहसुन क्या अभी मिक्स करते रहे, मैं दिखाऊंगा आपको थोड़ी देर में, देखो एक मिनट, ये देखो एक सेकंड इसको यहाँ पकड़ो, ये रखो, ये है दाढ़ी जो छिल चुके हम, लक्की भाई दिखाएंगे, लक्की भाई निकालो यार इसको, ये देखो ये ना ये बंटी दिखाता हूँ, तो ये है नमक, मतलब ये ना इसमें ना लहसुन जो वो होता है, लहसुन हो गया, लहसुन के पत्ते और मिर्च के, लहसुन हो गया और लहसुन के पत्ते हो गए इसमें, और किसका प्याज के पत्ते हो गए, थोड़ा सा हल्का सा भांग और हरी मिर्च जो आजकल होती है गाँव में वो पिसा हुआ है इसमें, बढ़िया सा देखो इसका टेस्ट, अभी आप मिलाएंगे नीरज जी इसको, उसके बाद इसका पूरा टेस्ट करेंगे। देखो रेडी हो चुका है हम लोगों का, अभी इतने लोग आ चुके हैं, उज्जू भाई काम करके आ चुके हैं, लक्के भाई का कॉलेज भी स्टार्ट नहीं हुआ है, अभिषेक भाई भी अपने लगे हुए हैं, सब लगे हुए, हम भी करते हैं थोड़ा सा खाएंगे चटकारा। तो लखविंदर सिंह आ चुके हैं, नमक डाल दिया इसमें और थोड़ा सा मिक्स करते हैं इसको अभी थोड़ा सा। हर्षू ये लो बेटा आ जाओ, ये लो, ये क्या है ये, तो हर्षू तो खाएगी नहीं, लो बच्चों आ जाओ थोड़ा थोड़ा ले लो, सब ले लो प्रसाद है, ये लो भैया, लो उज्जू लो, टेस्ट करो इसका, टेस्ट करते हैं इसको, और टेस्ट करने के बाद बहुत ही ना बहुत ही अल्टीमेट स्वाद टेस्ट आता इसका। अरे बंटी खा के जा, मतलब भाई लाजवाब टेस्ट है, देख रहो पूरा पक चुका है, बहुत अच्छे से पक चुके हैं और स्वाद है भाई, खट्टे का तो अपना ही मजा है, खट्टे का तो थोड़ा लग रहा है। चलो मिलते हैं बाद में आपको शाम को, थोड़ा दिखाएंगे शाम की एक्टिविटी गाँव की, अभी हमारी एक्टिविटी हो चुकी है, हमने तोड़ दिए दाढ़ी और खा भी लिए हैं, हम निकलते हैं घर की तरफ क्योंकि हाथ वो बहुत गंदे हो चुके हैं और घर जाके धोएंगे इसको, तो इससे पहले पूरी थाली ख़त्म ना हो जाए तो पूरा लपेट देता हूँ एक बार, आज ना पूरी तरह बचपन की ना पूरी यादें ना ताज़ा हो चुकी हैं फिर से एक बार, दाढ़ी देख सकते हैं एक बार फिर से, सब लोग बड़े मतलब सब लोग लगे हुए खाने में, हमने पूरी थाली खा चुके हैं और बचपन की जो यादें थी ना
इस पेड़ की से जुड़ी हुई यादें। इस पेड़ हम चढ़ा करते थे पहले, यहाँ पे यहाँ से उसको पकड़ा करते थे, लेकिन अब तो वो टाइम चला गया, लोग खेलते नहीं है, फ़ोन आ गया, सब कुछ आ गया। तो चलिए मिलते हैं शाम को आपको फिर से एक बार, शाम की एक्टिविटी दिखाऊंगा कुछ, तो तब तक खा लेते हैं इसको ख़त्म। लेकिन बचपन की जो यादें हैं ना, जो बचपन में इसको खाते थे लोगों के हाथ से चोर के, अब वो टाइम रहा नहीं, लेकिन बहुत टाइम बाद 10-12 साल बाद ही शायद इसको खा रहे होंगे। आज ये मौका मिला है तो चलो एंजॉय करते हैं। मैं अभी ना फिर से वापस आ चुका हूँ जहाँ हम रोज़ सुबह आते शाम आते, तो सामने देख रहे हो पूरा कोहरा पड़ चुका है और अब होने वाली बारिश। मौसम ना काफ़ी अभी हो चुका है बहुत ही ख़तरनाक वाला, और इससे पहले जो आवाज़ आई थी ना इतनी भयंकर आवाज़ थी। तो देखते हैं अभी अगर बारिश आएगी तो एंजॉय करते हैं, नहीं तो फिर मैं वीडियो के साथ कल मिलता हूँ आपको, न्यू वीडियो के साथ। चलो थोड़ी देर तो रुकता हूँ, वेट करता हूँ, हो सकता है आप लोग भी इस बारिश को एंजॉय कर लें। तो अभी मैं गया हूँ ऊपर, अपने ऊपर वाले घर पे, मतलब मेरा घर नहीं है, मतलब अपने ऊपर वाले बल्लू दा के घर पे, यहाँ पे लेके आना है मुझे घी आज। तो अभी मैं चला गया हूँ शाम के टाइम पे यार, बहुत मौसम ने बहुत धोखा दे दिया मौसम ने। जब भी मैं सोचता हूँ कि बारिश होगी, भाई बारिश बिल्कुल नहीं, हरा भरा है पूरा मौसम, बिल्कुल चिल है। तो दिखाता हूँ ऊपर चलता हूँ बल्लू दा के घर में, बल्लू दा का घर ऊपर। ये है हमारे बल्लू दा का घर है, ये सामने चल रहा है काम, क्योंकि लग चुका है सोच का महीना। हाँ बल्लू दा मेरे लिए बना रहे चाय, बल्लू दा चाह तो भोपाल वाले बल्लू दा बनाएंगे चाय मेरे लिए। तो दिखाता हूँ यहाँ से गाँव का एक बार सफ़र, दिखाता हूँ सामने मौसम। देखो आवाज़ सुन रहे हो आवाज़ भाई, मतलब रोज़ बारिश का मौसम बन रहा है, और रोज़ बारिश का ऐसा हो रहा है कि अभी लोग घर में कमी दिखेंगे क्योंकि घास वास काटते चले। तो चलिए लेते हैं यहाँ से घी और निकलते हैं घर की तरफ, और मिलते हैं आपसे कल। मुझे मिल चुका है घी, तो बाल्टी में लेके जा रहा हूँ 1 kg। भाई बहुत सस्ता है, 600 रुपये में आपको 1 kg मिल जाएगा, और बहुत ही अच्छा गाँव का खाने के लिए। तो चलिए मिलते हैं आपसे कल एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुश रहें, मुस्कुराते रहें, और देखते रहें वीडियो को, एंजॉय करें यार मेरे भाई।